अलवर पुलिस ने 13 करोड़ की चोरी का खुलासा करते हुए गैंग के 2 सरगनाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह शायद पहला मामला है जिसमें सरगना हवाई जहाज से वारदात करने पहुंचता था और गैंग के पास ऑल इंडिया परमिट के 8 से 10 कंटेनर भी मौजूद थे जिन्हें चोरी का माल ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कई वारदातें करना कबूला है। अलवर जिले में भी लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं जिसमें एक बार में लगभग 70 से 80 लाख रुपए की चोरी किए जाने का अनुमान है। अब चोर लुटेरों ने भी अपना स्तर बना लिया है। बड़ी लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंग का मुखिया प्लेन से वारदात स्थल पर पहुंचकर लूट को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक गैंग का अलवर पुलिस ने पर्दाफाश किया है जिनके खिलाफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं जिसमें ये शातिर विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइनों को जो नव निर्माण के लिए लाई जाती है उन्हें चोरी कर ले जाते थे। इनके पास लगभग 10 से 12 कंटेनर हैं जो ऑल इंडिया परमिट से पास हैं। 2 माह पूर्व अलवर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने SP राहुल प्रकाश से मुलाकात कर जिले में टपुकड़ा, चौपानकी और खुशकेड़ा में हाई टेंशन लाइनों के तारों की चोरी का होना बताया था। इस तरह की चोरी की लगभग 1 दर्जन वारदातें हो चुकी हैं और एक चोरी में लगभग 70 से 80 लाख रुपए का माल गया है। SP ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विशेष टीम का गठन कर गैंग का पर्दाफाश कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे 13 करोड़ की चोरी का खुलासा करने के साथ ही अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। गैंग का मुख्य सरगना प्लेन से वारदात स्थल पर पहुंचता था और अन्य सदस्य ट्रेन द्वारा, वहीं गैंग के अन्य सदस्य वारदात के आसपास कंटेनर लेकर पहुंच जाते थे। वहीं तारों को काटकर कंटेनर से दिल्ली ले जाकर बेचा जाता था। पकड़े गए मुख्य आरोपियों में सप्पी पुत्र इस्माइल और मोहम्मद समीम पुत्र हाजर खान दोनों हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू थाना अंतर्गत गुनावट गांव के रहने वाले हैं। प्रेस वार्ता में SP राहुल प्रकाश ने बताया कि अभी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, साथ ही माल बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विद्युत अभियंता महोदय, उनके XCN साहब और AN साहब कार्यालय पधारे थे और उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया था कि हमारी जो निर्माणाधीन विद्युत लाइनें हैं जो हाई कैपेसिटी की होती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं थी। उस दिन उन्होंने बताया कि लगभग 70 से 75 लाख की तारें एक बार में कट रही हैं, तो अवश्य मुझे लगा कि ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है और अभी तक हमारे ध्यान में नहीं था। तो हमने उस क्षेत्र में जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई थी जो कि चौपानकी, खुशखेड़ा और टपुकड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, उन सबको इकट्ठा किया, तीनों SHOs को बुलाया, उसके ऊपर एक मीटिंग ली और SHO टपुकड़ा के नेतृत्व में हमने एक विशेष टीम का गठन किया इस मामले के खुलासे के लिए। लगभग 1.5-2 महीने काम करने के पश्चात गैंग को उसने ट्रेस कर लिया है। इस गैंग में लगभग 15 लोग हैं जिसमें से मुख्य 2 उनको अरेस्ट करने में सफलता मिली है और ये लोग मुख्य तौर पे, इनके पास 10 से 12 कंटेनर्स हैं जिसकी ऑल इंडिया परमिट है इनके पास, उसको लेकर के ये माल डिलीवरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और उसी दौरान जो वहाँ के हाई टेंशन वायर्स होते हैं पावर ग्रिड के, उनकी रेकी कर लेते हैं और जब रेकी करके उनको ये सुनिश्चित हो जाता है कि वारदात कब करनी है, तो जो मुख्य सरगना है वो मुख्यतः हवाई मार्ग से वहाँ पे पहुँचता है। वो लोग एरोप्लेन से जाते हैं, बाकी टीम के मेंबर्स जो हैं वो ट्रेन से जाते हैं और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे माल डिलीवर करने के लिए गए हुए रहते हैं कंटेनर लेके, वहीं पर रुके होते हैं। वहाँ पे तारों को काटने के बाद उसके छोटे टुकड़े करके कंटेनर के अंदर भर के ये लोग इसको दिल्ली लेके आते हैं और दिल्ली में जहाँ बेचते हैं उसके विषय में भी हमारे पास विशेष इनपुट आ चुके हैं, उसके ऊपर काम जारी है और लगभग अभी तक 18 दर्ज FIRों में इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार किया है। जो वारदात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में किए गए हैं, इसके अलावा भी लगभग 2 दर्जन टोटल वारदात वो बता चुके हैं और हमें संभावना है कि पूछताछ में इनके वारदातों की संख्या और बढ़ सकती है। अंतर्राज्यीय इस गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हैं जिनके द्वारा सुनसान जगहों पर जाने वाली हाई टेंशन लाइनों की रैकी की जाती थी। इसी गैंग में शामिल इजराइल, जुबेर और जमशेद के पास ऑल इंडिया परमिट के 8 से 10 कंटेनर भी हैं जो माल को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते थे। वारदात से पहले गैंग के सदस्य रैकी कर अन्य सदस्यों को बुलाते थे और सरगना प्लेन से पहुंचते थे।
मौके पर पहुंचकर तारों को कटिंग कर कंटेनर में लोड कर दिल्ली ले जाकर बड़े कबाड़ियों को मोटे दामों में बेचते थे। इस पूरी कार्यवाही में एसपी राहुल प्रकाश ने भिवाड़ी, एएसपी पुष्पेंद्र सोलंकी और डीएसपी नेमी चंद के नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें एएसआई राजेश कुमार मीणा, थाना टपुकड़ा सत्यवीर, विजय सिंह, नवल कुमार, सुनील कुमार, गजराज सिंह, प्रधुमन कुमार और लाला राम सहित पूरी टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को दबोचा है।